तो वहीं छतरपुर जिले में बीते 3 सालों से फरार चल रहे 20,000 के इनामी आरोपी जाकिर उर्फ जफू खान को पुलिस ने सागर जिले से गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी अगम जैन ने बताया कि आरोपी जाकिर वर्ष 2021 के हत्या के प्रयास के प्रकरण, अवैध हथियार और अन्य मामलों में वर्ष 2021 से फरार चल रहा था और आरोपी जाकिर उर्फ जफू खान की गिरफ्तारी के लिए DIG ललित शाक्यार द्वारा 20,000 रुपए इनाम भी घोषित किया गया था। इसके तहत ही पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा विशेष टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अपराधी जफू को सागर के संबंधित स्थान में दबिश देकर गिरफ्तार किया। ये हमारे CSP छतरपुर और कोतवाली थाना प्रभारी, इनकी पूरी टीम ने मिलकर के एक बहुत अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें एक व्यक्ति जाफिर उर्फ जफू खान, जो कि जिस पर अभी तक 32 अपराध पंजीबद्ध हैं 2007 से लेकर अभी तक, और वर्तमान में 2021 और एक 2024 के हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। इस पर 7 स्थायी वारंट थे, एक गिरफ्तारी वारंट था। DIG सर इस पर 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर चुके थे। तो इस प्रकार का ये कुख्यात जो अपराधी था, इसको पकड़ने में हमारी टीम ने सफलता पाई है। पूर्व में इसके बनाए अवैध अतिक्रमण पर भी हमारी टीम द्वारा कार्रवाई की गई थी प्रशासन के सहयोग से, और वर्तमान में भी इसको सागर तरफ इसका मूवमेंट था, हमारी टीम को जैसे ही सूचना मिली तो उसको अरेस्ट किया है। और आगे प्रयास ये है कि इस प्रकार के और भी जो अपराधी हैं जो फरार हैं, उनको भी ढूंढ करके उनकी भी अरेस्टिंग की जाए और वैधानिक कार्रवाई की।